हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। कल की वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, आरआरएनए किसको कहते हैं वो बताया था, और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि राइबोसोमल आरएनए के जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट्स हैं वो किस तरह से एडजस्ट हैं और उसमें कौन कौन सी साइट्स होती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमारी आज की जो टॉपिक है दैट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इट इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये इन्होंने लिखा है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन, और अमाइनो एसाइलेशन। तो ये क्या मतलब है इस चीज का? तो ये सबसे पहला स्टेप है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आपको पता था कि राइबोसोम्स जो होता है, इस राइबोसोम में टीआरएनए को आकर अटैच होना है, इसमें सबसे पहले टीआरएनए को आकर अटैच होना है। तो टीआरएनए अपने साथ बेसिस को लेकर आता है और टीआरएनए अटैच हो जाता है, ठीक है। आपको टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता था, यहाँ पे जो लूप होती है दैट इज डीएचयू लूप, इस लूप में एक एंजाइम प्रेजेंट होती है दैट इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, है ना। हमने टीआरएनए जब पढ़ा तो उसमें हमने ये बताया था कि अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एक एंजाइम होती है जहां पर आकर बेस कोडोन्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जब भी टीआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच होगा तो इसके पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का होना बहुत जरूरी है, यानी कि जब टीआरएनए के अमाइनो एसाइल सिंथेटेज की मदद से टीआरएनए में जो भी कोडोन्स हैं उनको एक्टिव कर दिया जाता है तो हमारा टीआरएनए चार्ज हो जाता है, यानी कि जब टीआरएनए में एनर्जी डेवलप हो जाती है, जब ये चार्ज हो जाता है तभी जाकर ये राइबोसोम के साथ अटैच होगा। तो टीआरएनए के बिना राइबोसोम को वो कोई भी बेस नहीं मिलेगा जिसको उसे अमाइनो एसिड बनाना है। तो हमारे राइबोसोम्स के पास जो टीआरएनए आना चाहिए, सबसे पहले उस टीआरएनए की क्या हो जानी चाहिए, चार्जिंग। सबसे पहले टीआरएनए की चार्जिंग हो जाती है, उसके बाद टीआरएनए विल अटैच विद द राइबोसोम, उसके बाद ही टीआरएनए किसके साथ अटैच होगा, राइबोसोम के साथ, और प्रोसेस शुरू करेगा। तो इसीलिए इस स्टेप में सबसे पहले बताया गया है कि चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का होना बहुत जरूरी है। तो ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी बेस कोडोन्स होते हैं, अमाइनो एसिड के जो भी कोडोन्स हैं, उनको सबसे पहले अमाइनो एसाइल सिंथेटेज और एटीपी, यहां पर जो सबसे कंपल्सरी पॉइंट है वो ये दो है कि जो भी हमारे अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहले अमाइनो एसाइल सिंथेटेज और एटीपी, ये दोनों मिलकर इस जो भी कोड है यहां पर उसको यहां पे एक्टिव करना होगा। सबसे पहले जब ये कोड एक्टिव हो जाएगा उसके बाद ही जाकर हमारा टीआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में सबसे पहले क्या होना है, सबसे पहले जो भी अमाइनो एसिड होता है दैट अमाइनो एसिड विल अटैच विद द, और द कोडोन्स ऑफ अमाइनो एसिड विल अटैच विद द एंजाइम दैट इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, यानी कि यहां पर हम एक एंजाइम की मदद लेते हैं एंड द एंजाइम इज अमाइनो एसाइल सिंथेटेज, और इसमें मदद मिलती है हमें एटीपी की, एंड द एटीपी विल डिवाइड इनटू टू फॉर्म दैट इज एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और फाइनली हमें मिलता है हमारा अमाइनो एसाइलेशन हो जाता है, यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्टिव हो जाती है और उसके साथ जुड़ जाता है एक मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस प्रोसेस में हमने सबसे पहले टीआरएनए की चार्जिंग कर दी है, टीआरएनए पे जो भी अमाइनो एसिड के बेस सीक्वेंस प्रेजेंट थे हमने सबसे पहले अमाइनो एसाइल सिंथेटेज की मदद और एटीपी की मदद से इस अमाइनो एसिड को एक्टिव किया है, और जैसे ही अमाइनो एसिड एक्टिव होगा तो इसको हम अमाइनो एसाइलेशन कहते हैं, मतलब एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और एक मोनोफॉस्फेट इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है इसी को हम कहने लगते हैं
चार्ज्ड टीआरएनए। अब हमारा टीआरएनए क्या है, चार्ज्ड हो चुका है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमारी पूरी हो चुकी है। और जब एक बार चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पूरी हो जाती है तब जाकर ये टीआरएनए किसके साथ अटैच होने लगता है, राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। और राइबोसोम के साथ अटैच होते ही ये कौन सा प्रोसेस शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेप पूरा किया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस यानी के ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो जाएगा शुरू। तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए के बाद हमारा ये जो अमाइनो एसाइलेशन हो चुका, अमाइनो एसिड जो एक्टिव हो गई है, अब हमारा राइबोसोम इस टीआरएनए को एक्सेप्ट कर लेगा और शुरू करेगा प्रोटीन फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं आगे की ये स्टेप्स क्या है, कैसे होगा प्रोटीन फॉर्मेशन। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप हुआ, अब सेकेंड स्टेप हम शुरू करेंगे हमारा, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोटीन बनाना है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत है। प्रोटीन सिंथेसिस तभी शुरू होती है जब हमारे पास कुछ इक्विपमेंट मौजूद होंगे, यानी कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए तब जाकर हम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए चार्ज्ड टीआरएनए, वो हमारे पास है। हमने देख लिया कि टीआरएनए चार्ज कैसे होगा, अमाइनो एसाइलेशन करेंगे, एटीपी की मदद लेंगे, हमारा टीआरएनए चार्ज हो गया। अब हमारे पास ये टीआरएनए है, हमारे पास दूसरी नंबर चीज क्या होनी चाहिए, टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। हमारे पास राइबोसोम के दोनों यूनिट्स होने चाहिए, टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स मस्ट बी देयर, ताकि राइबोसोम की ये दोनों सब यूनिट्स रहेंगे तो ही जाकर हम इसको अटैच करेंगे और राइबोसोम मशीन को रेडी करेंगे। और आपको पता है कि दोनों राइबोसोम्स को अटैच करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, Mg+2 आयन होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, और तीसरा और नंबर फोर हमें क्या होना चाहिए, आपको पता है कि स्मॉलर सब यूनिट्स पे mRNA का अटैचमेंट होता है, तो हमारे पास मैसेंजर भी होना चाहिए, mRNA भी होना चाहिए, जो ऑफकोर्स हमारे टीआरएनए के साथ अटैच होकर रहता है और टीआरएनए के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो इस तरह के सारी चीजें होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए तो जाकर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब ये चारों चीजें हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो सबसे पहली प्रोसेस होती है, नंबर वन प्रोसेस, इसको कहा गया है इनिशिएशन। सबसे पहले जो प्रोसेस होगी इसको हम क्या कहेंगे, इनिशिएशन कहेंगे। सेकेंड प्रोसेस जो आपको पढ़ाई जाएगी, दैट इज इलोंगेशन। और थर्ड प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज टर्मिनेशन, इट इज टर्मिनेशन। तो यहां पे तीन प्रोसेस है और इन तीनों प्रोसेस के मिलने के बाद पूरा होगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, दैट इज ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ओके, डोंट वरी फॉर दैट, इट इज वेरी मच इजियर कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। बस वन बाय वन करके आपको समझना है, वन बाय वन स्टेप्स इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि आप इजिली समझ सके, और बीच में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपसे बिल्कुल ही ना छूटे। जैसे आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट क्या क्या है। तो ये चारों रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं जिनकी जरूरत है आपको, इनके बिना आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इनिशिएशन, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, हमारा ट्रांसलेशन शुरू कैसे होगा। तो इसके लिए आपको वो डायग्राम याद होना चाहिए जो राइबोसोम्स का हमने बनाया था, ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट स्टेप, दैट इज इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। नाउ ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, एंड आवर फर्स्ट प्रोसेस इज ऑफ कोर्स इनिशिएशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनिशिएशन करना है। इनिशिएशन करने के लिए हमें वो चाहिए मशीन, और द मशीन इज राइबोसोम। ये हो गया हमारा राइबोसोम, इसमें अटैच होता है हमारा mRNA, ऑफ कोर्स mRNA दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। और इस mRNA पे सबसे पहले होता है स्टार्ट कोडोन, दैट इज AUG। इसके बाद मान लीजिए आपने ले लिया है तीसरा कोड, दैट इज AGT। तो इस तरह से अलग अलग कोड्स होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये जो साइट होती है हमारी, दिस इज आवर पी साइट,
दिस इज आवर ए साइट एंड दिस इज आवर ई साइट. तो यहाँ पे हमारे तीन साइट्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता दिया जाए कि यहाँ पे अटैचमेंट होती है चार्ज टीआरएनए, यहाँ पे टीआरएनए प्रेजेंट होगा और ये टीआरएनए के अंदर जो एमआरएनए का जो मैसेज है वो टीआरएनए रिसीव करके पहले से रेडी रखता है. तो एक बार आप देख लीजिए कि ये कैसे जाते हैं. ऑफ कोर्स हमें इसके बेस पेयर के अकॉर्डिंग काम करना होगा. दैट इज ए जो है उसका बेस पेयर क्या होता है, ए के साथ अटैच्ड होता है टी. लेकिन यहाँ ये आरएनए है, टीआरएनए इज द आरएनए, इसीलिए यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होगी यू के साथ. यू विल बी कन्वर्टेड इंटू ए एंड जी विल बी कन्वर्टेड इंटू सी. तो हमारा टी आर एन ए के अंदर ये जो बेस सीक्वेंस एम आर एन ए पे था, जब टी आर एन ए इसको रिसीव किया होगा तो टी आर एन ए के अंदर ये इस फॉर्म में चला गया, दैट इज यू ए सी. और आपको पता है कि यहाँ पर अमाइनो एसाइलेशन हो जाएगी, यही वो जगह है जहाँ पे टी आर एन ए के अंदर इस कोड को एक्टिव कर दिया जाएगा, यानी कि हम अमाइनो एसाइलेशन कर चुके हैं. टीआरएनए हमारा चार्ज है तो ही जाकर ये किस में अटैच हो पाया, राइबोसोम में अटैच हो पाया. ओके, यहां पर आपका पहला अमाइनो एसिड वन बनकर रेडी है. अब उसी तरह से दूसरे ए साइट पर हमारा दूसरा टीआरएनए है. 20 अमाइनो एसिड्स बनाने के लिए हमें 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए चाहिए होंगे, क्योंकि अगर हम 20 अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं तो हमारे पास 20 टीआरएनए होना चाहिए. हर एक गाड़ी में हर एक अमाइनो एसिड को तैयार करके ट्रांसफर किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका टीआरएनए क्या है, एक व्हीकल है, एक कार है जो कोड्स को लाकर राइबोसोम्स के साथ अटैच कर रहा है ना. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कोड इसके अंदर रिसीव हो गया, सपोज दिस इज लाइक दिस, उसी तरह से ये ए का जो पेयर होता है वो ए का पेयर ऑफ कोर्स टी के साथ होता है, थायमिन के साथ होता है. लेकिन यहां पर थायमिन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अगेन वी विल यूज यू. जी विल बी पेयर विद सी एंड टी ऑफ कोर्स विल बी पेयर्ड विद ए. तो यहां पे ये इस फॉर्म में रिसीव्ड है. अब ये एक दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पे बन जाएगा, दैट इज ए ए टू. तो इनिशिएशन में आप क्या देख रहे हैं कि इनिशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है. अब हम इसका डेफिनेशन साथ साथ लिखते हैं. क्या लिख सकते हैं, इट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन. इनिशिएशन जो है ये ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है, इन विच फर्स्टली सबसे पहले कौन आना है भाई, सबसे पहले स्टार्ट कोडोन आता है. फर्स्टली स्टार्ट कोडोन अटैच विथ ए साइट, यानी के सॉरी अटैच विथ पी साइट. ये पी साइट पर आके कौन अटैच हो जाएगा, स्टार्ट कोडोन. क्यों स्टार्ट कोडोन पी साइट पर आया, यहां नहीं आया, क्योंकि इट इज ऑलरेडी स्टार्ट कोडोन, ये डायरेक्ट हमारे इस साइट पे आते हैं. ठीक है, उसके बाद यहां पे हम यहां पे सेकेंड स्टेप डाल सकते हैं, द नेक्स्ट कोडोन विल बी अटैच विथ, अगला जो इसके बाद वाला जो कोडोन है ये किस साइड पर अटैच होगा, विल बी अटैच विथ ए साइट. अगला कोडोन किस साइड के साथ अटैच हो जाएगा, ए साइट के साथ अटैच हो जाएगा. तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि एक कोडोन आपका आपके पी साइट पे अटैच है, फिर पीछे वाला ए साइट पे अटैच है, तो इनिशिएशन हो चुका है. अब आगे बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे हमें इलोंगेशन करना होगा. इलोंगेशन का मतलब, अब इसके पीछे मान लीजिए अगर कोई कोडोन है, दैट इज ए सी जी, फिर जब ये इस पोजीशन पे चले जाएंगे, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी, फिर ये वाला कोड इस पोजीशन पे आ जाएगा. और ऐसे करके जितने भी कोड है वो सब वन बाई वन करके इस पोजीशन पे आते जाएंगे और ये चेन आगे बढ़ती जाएगी. इसी चेन को आगे बढ़ना है और इस चेन का आगे बढ़ना इलोंगेशन कहलाता है. तो फर्स्ट स्टेप हमारी थी इनिशिएशन, हमने इनिशिएट कर दिया है मशीन को, मशीन काम करना शुरू कर चुकी है, दैट इज राइबोसोम. पहला कोड हमारे पी साइट पर बन चुका है, ऑलरेडी रेडी है, और दूसरा वाला हमारे ए साइट पर आ चुका है. अब हम आपको ये दिखाएंगे इलोंगेशन में कि कैसे दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनेगा, एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द सेकेंड स्टेप, दैट इज इलोंगेशन ऑफ अमाइनो एसिड. ओके
ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकेंड स्टेप, दैट इज इलोंगेशन। अब हम आ गए हमारे सेकेंड स्टेप पे, जिसका नाम क्या है, इलोंगेशन। अगेन वी हैव टू ड्रॉ, फिर से हमें एक छोटा सा राइबोसोम ड्रॉ करना होगा। और आपको मैंने बता दिया था कि यहाँ पर हमारा अमाइनो एसिड 1 है, यहाँ पे हमारा अमाइनो एसिड 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है कि इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जानी चाहिए। ये है मेरा पी साइट, ये है मेरा ए साइट और ये है मेरा ई साइट। यहाँ पे एमआरएनए है, जो आप पीछे के डायग्राम में ऑलरेडी देख चुके हो। तो आपको पता है कि द फॉर्मूला फॉर अमाइनो एसिड इज NH2COOH। यहाँ पे भी अमाइनो एसिड है, इट इज NH2COOH। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे COOH है और यहाँ पे NH2 है, तो इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड्स बन जाएगी। जैसे NH2COOH एक साथ जुड़े हुए हैं, NH2COOH एक साथ है, तो यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे COOH है, तो इस दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एंड ऑफ कोर्स दिस बॉन्ड फॉर्मेशन, यही जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे हमने पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारा AA3 वेट कर रहा है, AA2 इस पोजीशन पर है, अमाइनो एसिड 1 इस पोजीशन पे है, एंड AA3 इज इन वेटिंग लिस्ट। ये कहाँ है भाई, तो ये हमारे वेटिंग लिस्ट में रुका हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जब तक यहाँ की जगह खाली नहीं होगी, AA3 अंदर एंट्री नहीं ले सकता, तो हमें इन सबको इधर शिफ्ट करना होगा। अमाइनो एसिड 1 की शिफ्टिंग यहाँ करनी होगी, अमाइनो एसिड 2 इसके पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे अमाइनो एसिड 2 को शिफ्ट करना होगा। तो इस प्रोसेस में जो शिफ्टिंग हो रही है, इस शिफ्टिंग के लिए एक इंजाइम है जो पार्टिसिपेट करती है, एंड द नेम ऑफ इंजाइम इज ट्रांसलोकेज। ट्रांसलोकेज की मदद से अमाइनो एसिड 1 जो है वो ई साइट पर शिफ्ट हो जाएगा, और अमाइनो एसिड 2 जो है वो पी साइट पर शिफ्ट हो जाएगा, और जो नया वेटिंग लिस्ट में था अमाइनो एसिड 3 वो किस साइट पर इंटर करेगा, ए साइट पर इंटर करेगा। तो इलोंगेशन में आप क्या देख रहे हैं कि आप इसको अगर एक डिफिनेशन देना चाहें तो आप लिख सकते हैं इट इज द सेकेंड स्टेप। ये कौन सा स्टेप है भाई, ट्रांसलेशन का सेकेंड स्टेप है, इन विच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे ही क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये है हमारे साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फुल्ली फिर से ड्रॉ नहीं किया है, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और क्विकली निकलना है हमें, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं अब तक। तो आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी ए साइट, पी साइट, ई साइट, वन बाय वन करके ये धीरे धीरे अपने बॉन्ड के साथ अटैच होता हुआ शिफ्ट होगा। शिफ्टिंग में कौन मदद कर रहा है, ट्रांसलोकेज। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है AA3, उसके बाद में अगर आप देखना चाहो AA4, ऐसे वन बाय वन करके ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलोंगेशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है, और वन बाय वन करके ये शिफ्ट होते चले जाएंगे। और एक टाइम आता है, जैसे स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी थी स्टार्ट कोडोन की, वैसे ही अगर हमें ट्रांसलेशन का प्रोसेस रोकना है तो हमें चाहिए होते हैं स्टॉप कोडोन, जो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो स्टॉप कोडोन होते हैं वो 3 होते हैं। 3 स्टॉप कोडोन है, उनमें से कोई भी एक जैसे ही ए साइट पर आएगा, हमारी मशीन स्टॉप हो जाएगी, काम करना रुक जाएगा। और जब काम करना रुक जाता है तो वो होता है हमारा आखिरी स्टेप, दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का आखिरी स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन करने के लिए हमें आखिरी में कोई ऐसा कोड लाना होगा जो स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आखिरी स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड स्टेप की, जिसका नाम क्या है, टर्मिनेशन है, ठीक है। अगेन वी विल ड्रॉ
बिकॉज इट इज द लास्ट पार्ट. और यहाँ पे अब आप समझ चुके हो कि यहाँ पे जो साइट है दैट इज ई साइट, यहाँ से अब बाहर आ चुका है ए ए वन और वो अपने साथ लेकर आ चुका है किसको, ए ए टू को. दिस इज आवर पी साइट और ये है हमारी ए साइट. अब यहाँ पे हमें कोई ऐसा कोडोन चाहिए जो स्टॉप कोडोन हो. तो मैं आपको बता दूँ कि स्टॉप कोडोन के फॉर्म में, स्टॉप कोडोन के फॉर्म में हमारे पास तीन कोडोन्स प्रेजेंट है, दैट इज यू ए ए एंड यू ए जी एंड यू जी ए. तो सपोज दैट कि इस पार्ट पे यहाँ पे अब आ चुका है हमारा स्टॉप कोडोन दैट इज यू ए ए. ये स्टॉप कोडोन यहाँ पे आ चुका है और स्टॉप कोडोन अभी किस साइट पर है, ए साइट पर है. जैसे ही हमारा एक स्टॉप कोडोन ए साइट पर आता है, जैसे ही इसको ए साइट पर लाया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ टीआरएनए, हमारा राइबोसोम्स जो होता है वो अपनी फंक्शनिंग को स्टॉप कर देता है, यानी कि हमारा टर्मिनेशन हो गया प्रोसेस का, हमारी प्रोसेस क्या होगी, रुक जाएगी. ठीक है, सपोज दैट ए ए वन, ए ए टू, ए ए थ्री ये सारे अटैच होकर एग्जिट साइट से बाहर आते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में प्रोसेस को रोकना है तो हम एक स्टॉप कोडोन हमारी हेल्प करता है और स्टॉप कोडोन इस प्रोसेस को रोक देता है. और जब हमारा ये प्रोसेस रुक जाता है तो इसी को हम कहते हैं टर्मिनेशन. तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं कि इट इज द लास्ट स्टेप, इट इज द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन. ये ट्रांसलेशन का सबसे आखिरी स्टेप है, इन विच एनी स्टॉप कोडोन, कोई भी स्टॉप कोडोन, उन तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडोन कम्स एट ए साइट, किस साइट पर आ जाता है, ए साइट पर. एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है गेट्स स्टॉप, क्या हो जाता है, रुक जाता है. अब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रुक गया है तो हमारा ये जो दोनों सब यूनिट है ये दोनों भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. जैसे मशीन का काम हो गया तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट ये दोनों किसके मदद से जुड़े हुए थे, मैग्नीशियम की मदद से. तो अगर हम मैग्नीशियम को डिटैच कर दे, बीच से हटा दे, तो हमारा दोनों सब यूनिट क्या होगा, अलग हो जाएगा. तो यहां पर सेकेंड स्टेप आप डाल सकते हो कि Mg प्लस टू गेट्स डिटैच्ड. ठीक है, यहां से Mg प्लस टू डिटैच हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ, कौन है जिसकी मदद से ये अलग होगा, बाय द हेल्प ऑफ RF फैक्टर. RF फैक्टर का फुल फॉर्म ही होता है रिलीजिंग फैक्टर. यहां पे हमें रिलीजिंग फैक्टर मदद करता है और रिलीजिंग फैक्टर की मदद से हमारा ये Mg प्लस टू डिटैच हो जाता है. और रिजल्ट क्या होता है इसका, रिजल्ट ये होता है कि दोनों सब यूनिट्स जो होंगी वो अलग हो जाती हैं, बोथ द सब यूनिट्स विल गेट सेपरेट. यानी कि दोनों सब यूनिट्स क्या होंगी हमारी, वो सेपरेट हो जाएंगी. और दोनों सब यूनिट जैसे ही सेपरेट होंगी, योर मशीन विल बी स्टॉप्ड, आपका जो मशीन है वो अलग हो गया और उसका काम भी क्या हो गया, रुक गया. तो इस तरह से प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में तीन स्टेप्स आपको पढ़ाया मैंने, दैट इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, और फिनिश हो गया आपका ट्रांसलेशन टॉपिक. तो इसको दो पार्ट में पढ़ाया गया है और दोनों ही पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट है. इसलिए जब भी आप इस टॉपिक को पढ़े, खासकर मेरी वीडियोस को जब भी आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने हाथ में पेन कॉपीज लेकर पढ़े और उसको आप साथ साथ लिखे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. क्योंकि आप जितना ज्यादा खुद से वर्क करोगे ना, उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. तो इसलिए आप, एग्जाम नजदीक है तो जितना ज्यादा रिटन प्रैक्टिस आप करोगे, उतना ज्यादा परफेक्शन होगा आपके आंसर्स में. ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे. मिलते हैं फिर हमारी अगली वीडियो में, दैट इज लैक on concept, or we can go with the human genome project too. Okay, till then please take care, bye bye.